हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह जो K8 जो हमारा वायरलेस माइक होता है इसको हम PC के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके बाद साथ में देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलता है। इसका हम जब इसके इनबॉक्स करते हैं तो इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ एक मिलता है जो ट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं, यहाँ जो हमें कॉलर में यहाँ इस तरीके से इसको पकड़ के इसको अटैच करना पड़ता है। उसके बाद हम इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्टेज पे आते हैं जो कि हमारा रिसीवर जो कि टाइप C है। आज हम इसको क्या करेंगे, PC के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे PC के साथ उसके लिए क्या एक्सेसरी लेगी वो भी हम दिखाएंगे। उसके साथ यहाँ ये आईफोन के साथ टाइप C के OTG आती है और कुछ नहीं आता। इसके साथ एक चार्जिंग पॉइंट भी आता है जो मैं आपको यहाँ दिखा दें। इस तरीके से यहाँ इसको अलग रख देते हैं और यहाँ दिखाते हैं जो इसका जो चार्जिंग केबल है वो इस बॉक्स में हमें प्रोवाइड मिलता है। देखा जाए तो चीप ही है, इतनी बेहतर क्वालिटी नहीं है। इसको हम भी साइड में करते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन कंपोनेंट आते हैं वो ये आते हैं। मान लीजिए हमारा ये वायरलेस माइक, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये वायरलेस माइक है। उसके साथ ये रिसीवर है जो हम किसी भी फ़ोन में पहले यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसको PC में कनेक्ट करने के लिए, तो हमारा टाइप C है तो उसके लिए हमें एक OTG परचेज करना है जिसे मैंने पहले भी परचेज कर रखा है। इसमें क्या है, टाइप C का एक फीमेल पोर्ट होता है जिसमें हमें ये जो हमारा होता है वो इसके अंदर यहाँ इस तरीके से अटैच हो जाता है और ये हमारी जो USB टाइप है ये हमारी PC में कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद ये रिसीवर है, यहाँ रिसीवर को इस बटन से इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ हम ऑन कर लेते हैं, देखिए हमारा रिसीवर जो है कि ऑन हो गया है। अब हम क्या करेंगे इसको आपको दिखाएंगे लाइव ही। वीडियो को प्ले पाउज नहीं करूँगा मैं, डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा। यहाँ देख लीजिए इस टाइप का जो हमारा वो है रिसीवर, ये हमारा ट्रांसमीटर है जैसा कि आप देख रहे हो। ये भी रेड ब्लिंक कर रही है, इसमें मैं यहाँ रख देता हूँ और आपको यहाँ अभी भी राइट ब्रिंग कर रही है। और इसी रिसीवर को मैं क्या करता हूँ अपने जो लैपटॉप है उसके किसी भी पोर्ट में यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इसमें मैंने इंसर्ट कर दिया है और जो हमारी जो लाइट है वो अभी भी ब्लिंक हो रही है। उसके लिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इस तरीके से अभी भी ब्लिंक हो रही है और ये अभी स्टेबलाइज मतलब स्थिर नहीं हुई। जब ये स्थिर हो चुकी है देख लीजिए अब ये ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है। हम यहाँ जाएंगे, यहाँ दिखाते हूँ मैं, यहाँ थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ PC में। यहाँ हम जाएंगे यहाँ साउंड वाले ऑप्शन पर, यहाँ साउंड वाले ऑप्शन पे इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ रिकॉर्डिंग डिवाइस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो माइक है जो यहाँ प्रॉपरली वर्क कर रहा है इस तरीके से। यहाँ इस पर कुछ भी हम यहाँ से देख लीजिए कुछ भी अगर क्लिक करते हैं, यहाँ बोल रहे हैं हम, तब ये इसी की रिकॉर्डिंग वॉइस आपको सुनाई दे रही है। यहाँ से इस तरीके से अगर मान लीजिए आप कहते हो कि वो दूसरा मैनुअली होगा तो मान लीजिए हम इसको रिमूव करते हैं तब ये डिसेबल हो गया। अब हम दोबारा इसको अगर लगाएंगे तब ये इनेबल हो जाएगा। यहाँ देख पाओगे आप, ये देख लीजिए दोबारा आ गया और हमारे इसमें कनेक्टिंग स्टार्ट होकर कनेक्ट शुरू हो गया। इस तरीके से आप क्या करोगे किसी भी जो K8 वायरलेस माइक होगा उसको आप आसानी से PC के साथ कनेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।